सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर से। कई नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हंसराज हंस इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। सांसद हैं दिल्ली से, वो आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे दाहिनी तरफ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, और बाहर एक बड़ी भीड़, मनोज तिवारी भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये दिल्ली के साथ तो सांसद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम के लिए बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, सांसद सभी पहुंचे हुए हैं, और साथ में दिल्लीवासी भी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। एक बड़ी तैयारी, भव्य तैयारी की गई है चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी उड़ान के बाद देश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का जोश है। काफिला बाहर आ रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, 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 स्वागत है, स्वागत है भाई उनका। और आप ये देख सकते हैं बेंगलुरु से सीधे नई दिल्ली और स्वदेश वापसी के साथ ही वो सबसे पहले बेंगलुरु के इसरो सेंटर पहुंचे, और उसके बाद वहां पर उन्होंने संबोधित भी किया, क्योंकि जिस तरह से चंद्रयान 3 जिस तरह से लैंड हुआ और ऐतिहासिक ये जो पूरी घटी, तो कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर उतरते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे थे लोग का, और हम लगातार आपको अभी तस्वीरों पर ले जाएंगे। जो अभी आ रही तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि दिल्ली पहुंच चुके हैं, पालम एयरपोर्ट पर हजार हुए हैं। बीजेपी के दिल्ली के सभी सांसद पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कतार में सबसे आगे इस वक्त खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए, और संख्या में कार्यकर्ता और लोग दिल्ली के पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट के ठीक बाहर। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश को, जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा, स्पेस के मामले में थर्ड रो से फर्स्ट रो में सबसे आगे वाली पंक्ति में इसरो ने लाकर खड़ा कर दिया है। तो देश को इतनी ऊंचाई पर ले जाने के बाद प्रधानमंत्री का एक ग्रैंड वेलकम, और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, मनोज तिवारी फूल देकर स्वागत करते हुए, सभी सांसद रमेश धूड़ी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, प्रवेश वर्मा आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन दिखे आपको, ये सभी नेता जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री यहां से संबोधन देंगे। लोग उस संबोधन को सुनने के लिए मौजूद है। देश का तिरंगा हाथ में है। पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चंद्रयान 3 के सफल लड़ने की बात कर रहा हूं कि उनका अंग वस्त्र के साथ अभिनंदन करें, स्वागत है। आए जगत प्रकाश दाजी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अंगवस्त्र के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अंगवस्त्र के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूं कि दो शब्द वे कहें। आदरणीय नड्डा जी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज आप साउथ अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिन की यात्रा करके आप भारत वापस आए हैं, और आपके अथक प्रयास, आपके द्वारा दिया गया निर्देशन, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन ने
जिस तरीके से चंद्रयान को एक सफल अभियान के रूप में हम सब लोगों ने देखा है, वह आज देश को गौरवान्वित कर रहा है, गर्व से भर रहा है। और ऐसे समय पर जब आप दिल्ली वापस आए हैं तो दिल्ली में देश के कोने कोने से रहने वाले, दिल्ली में बसने वाले ऐसे सभी नागरिकों ने आपका नागरिक अभिनंदन करने का तय किया। मैं इन सब की ओर से और अपनी ओर से भी आपका यहां आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है, देश गौरव कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है चंद्रयान की सफलता के लिए, सफल प्रक्षेपण के लिए। और आपके मार्गदर्शन के दृष्टि से एक बहुत बड़ी सफलता और एक बहुत ही खुशद अनुभूति, खुशी का अनुभूति करने का देशवासियों को सौभाग्य मिला है। आपका समर्पण, आपका कमिटमेंट, आपका समर्पित भाव से देश की सेवा करना और देश के को आगे ले जाने वालों के साथ आपका जो समर्पित भाव है, वह इस बात से दर्शाता है कि जब आप अपनी यात्रा ग्रीस में आपने समाप्त की और आप ग्रीस से जब आप वायुयान से उड़े तो आप सीधे बंगलुरु गए सुबह 6 बजे, और वहां पहुंच करके आपने हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने जी जान मेहनत करके भारत को यह कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया है, उनकी पीठ थपथपाने में, उनको प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे आप बंगलुरु गए, सुबह 6 बजे आपका वहां पर लैंडिंग हुई है। और हम सब लोग जानते हैं जब हम उजाले को देखते हैं तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। 2019 में जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, सभी हताश थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी आपने आगे बढ़ करके देश को हौसला दिया था, साइंटिस्ट को हौसला दिया था, वैज्ञानिकों को हौसला दिया था और आपने कहा था कोई बात नहीं, आगे चलो, सफलता हमारी होगी, सिद्धि हमारी होगी। आज उसका नतीजा है कि 2023 में चंद्रयान सफल, चंद्रयान 3 सफल हुआ है। इसका हम सब लोग बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं। और जिस तरीके से आपने विपदा के काल में जब अंधकार छाया हुआ था तो जो देश को हौसला दिया वह आज सिद्धि का कारण बना है, यह भी हम सबको समझना चाहिए। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में और स्पेस क्षेत्र में देश ने अपने आप को स्थापित कर दिया है, दुनिया के नजरों में हमारा कद बढ़ा है, दुनिया के नजरों में भारत के साइंटिस्ट, भारत का अनुसंधान, भारत का कार्य, इसको दुनिया ने सराहा है। और इस सिद्धि का जो निर्देशन हुआ है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके पल पल, हर पल छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए निर्देशित करने का नतीजा आज हम सबको एक शांत, एक सुखद अनुभव करने का सौभाग्य दे रहा है। हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जहां आपने ब्रिक्स नेशन में शिरकत की और भारत ने अपने नेतृत्व के, आपके नेतृत्व के माध्यम से ब्रिक्स में अपना स्थान तो बनाया ही है, लेकिन दुनिया को भी निर्देशित करने का काम जो किया वह सब हम लोगों ने देखा है। आप कल ग्रीस में थे और ग्रीस में भी आपको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मैं अपनी ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से आपको उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ हमारे साथी
देश के कोने कोने से आए हुए लोग जो यहां पर अपने वेशभूषा में आए हैं, वह सब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। वह काफी पहले से यहां आ गए थे। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बताए रास्ते पर अवश्य चलेंगे और देश को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज प्रातः मैं बेंगलुरु में था, सुबह बहुत जल्दी पहुंचा था। तय किया था कि भारत में जाकर के देश को इतनी बड़ी सिद्धि दिलाने वाले वैज्ञानिकों के दर्शन करूं, और इसलिए मैं सुबह सुबह वहां चला गया। लेकिन वहां जनता जनार्दन ने सुबह से ही, सूर्योदय से भी पहले, हाथ में तिरंगा लेकर के चंद्रयान की सफलता का जिस प्रकार का उत्सव मनाया, वो बहुत ही प्रेरित करने वाला था। और अभी कड़ी धूप में सूरज बराबर तप रहा है, और इस महीने की धूप चमड़ी को भी चीर देती है। ऐसी कड़ी धूप में आप सबका यहां आना और चंद्रयान की सफलता को सेलिब्रेट करना और मुझे भी सेलिब्रेशन में हिस्सेदार बनने का सौभाग्य मिले, ये भी मेरा सौभाग्य है। और मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं इसरो पर सुबह पहुंचा था तो चंद्रयान द्वारा जो तस्वीरें ली गई थी, उन तस्वीरों को पहली बार रिलीज करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। शायद अब तो आपने भी टीवी पर वो तस्वीरें देखी होगी। वो खूबसूरत तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सफलता की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत हुई। आमतौर पर एक परंपरा है दुनिया में कि इन प्रकार के सफल अभियान के साथ उस पॉइंट का कोई कोई नाम दिया जाए। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा, और आज जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया हुआ है उस पॉइंट को एक नाम दिया गया, और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है, और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम
शिव शक्ति तय किया है। इसके साथ ही 2019 में चंद्रयान 2, उस समय नाम रखने की चर्चा मेरे सामने आई थी, लेकिन मन तैयार नहीं था। भीतर ही भीतर मन ने संकल्प कर लिया था कि पॉइंट 2 को भी नाम तब मिलेगा जब हम सच्चे अर्थ में हमारी यात्रा में सफल होंगे, और चंद्रयान 3 में सफल हो गए तो आज चंद्रयान 2 का जो पॉइंट था उसका भी नामकरण किया और उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा। हर संकटों से जूझने का सामर्थ्य तिरंगा देता है, हर सपने को साकार करने की प्रेरणा तिरंगे देता है। और इसलिए 2 में विफलता मिली, 3 में सफलता मिली तो प्रेरणा बन गई तिरंगा। और इसलिए जो पॉइंट 2 चंद्रयान 2 जो पॉइंट के रूप में अब तिरंगा के रूप में जाना जाएगा। और भी एक महत्वपूर्ण बात आज सुबह मैंने कही है, 23 अगस्त भारत की वैज्ञानिक विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है, और इसलिए हर वर्ष भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। साथियों, मैं पिछले दिनों ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका में था। इस बार साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स समिट के साथ साथ पूरे अफ्रीका को भी वहां निमंत्रित किया गया था, और ब्रिक्स समिट में मैंने देखा शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो जिसने चंद्रयान की बात न की हो, बधाई न दी हो। और जो बधाइयां मुझे वहां मिली है वो आते ही मैंने सब वैज्ञानिकों के सामने उनको सुप्रत कर दी है, और आप सबको भी सुप्रत कर रहा हूं कि पूरे विश्व ने बधाइयां भेजी है। साथियों, हर कोई ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये काल जयी उपलब्धि के संबंध में, और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। साथियों, ब्रिक्स समिट के बाद मेरा ग्रीस जाना हुआ। 40 साल बीत गए भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा नहीं की थी। मेरा सौभाग्य है कि बहुत सारे काम जो छूट जाते हैं मुझे ही करने होते हैं। ग्रीस में भी जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान, भारत का सामर्थ्य, और ग्रीस को लगता है कि भारत और ग्रीस की दोस्ती, ग्रीस एक प्रकार से यूरोप का प्रवेश द्वार बनेगा, और भारत और ग्रीस की दोस्ती भारत और यूरोपियन यूनियन के
रिश्तों को मजबूती देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। साथियों, आने वाले दिनों में कुछ दायित्व हमारे भी हैं। वैज्ञानिकों ने हमारा काम किया है, सैटेलाइट हो, चंद्रयान की यात्रा हो, सामान्य मानवी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और इसलिए इस बार मेरे देश की युवा शक्ति को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े, टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़े, हमें इस बात को आगे ले जाना है। हम सिर्फ उत्साह उमंग नई ऊर्जा सिर्फ इतने से अटकने वाले लोग नहीं है। हम एक सफलता प्राप्त करते हैं तो वहीं पर मजबूत कदम रख के नए उछल के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए लास्ट माइल डिलीवरी के लिए सामान्य मानवी की जिंदगी में सुधार के लिए ये स्पेस साइंस कैसे काम आ सकता है, ये सैटेलाइट कैसे काम आ सकते हैं, ये हमारी यात्रा कैसे उपयोगी हो सकती है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और इसलिए मैंने सरकार के सभी विभागों को सूचित कर रहा हूं कि वे अपने अपने विभाग में जो जन सामान्य से जुड़े काम है उन कामों में स्पेस साइंस का, स्पेस टेक्नोलॉजी का, सैटेलाइट के सामर्थ्य का डिलीवरी में कैसे उपयोग करें, क्विक रिस्पॉन्स में कैसे उपयोग करें, ट्रांसपेरेंसी में कैसे उपयोग करें, परफेक्शन में कैसे उपयोग करें, उन सारे बातों की ओर वो अपनी समस्याओं को खोज के निकाले। और मैं देश के नौजवानों को आने वाले दिनों में हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं। पिछले दिनों कई हैकेथॉन में देश के लाखों विद्यार्थी 30-30, 40-40 घंटे नॉनस्टॉप काम करके बढ़िया बढ़िया आइडिया दिए हैं और उसमें से एक वातावरण पैदा हुआ है। मैं आने वाले दिनों में ऐसे हैकेथॉन की बड़ी श्रृंखला चलाना चाहता हूं ताकि देश का जो यंग माइंड है, यंग टैलेंट है और जो जन सामान्य की मुसीबतें हैं इसके सॉल्यूशन के लिए ये स्पेस साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करें, उस दिशा में हम काम करेंगे। इसके साथ साथ हमें नई पीढ़ी को भी विज्ञान की तरफ आकर्षित करना है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और दुनिया में वही देश आगे बढ़ने वाला है जिसकी साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत होगी। और इसलिए समय की मांग है कि 2047 में हमारे देश को विकसित भारत बनाने के सपने को पार करने के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना है। हमारी नई पीढ़ी को बचपन से ही साइंटिफिक टेंपर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है। और इसलिए ये जो बड़ी सफलता मिली है, ये जो उमंग है, उत्साह है, उसको अब शक्ति में चैनलाइज करना है। और शक्ति में चैनलाइज करने के लिए MyGov पर 1 सितंबर से एक क्विज कंपटीशन आरंभ होगी ताकि हमारे नौजवान छोटे छोटे सवाल जवाब देखेंगे तो उनकी धीरे धीरे उसमें रुचि बनेगी। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत भरपूर व्यवस्था करके रखी हुई है। हमारी नई शिक्षा नीति
इसको बहुत अधिक बल देने वाली शिक्षा नीति है और उसमें जाने के लिए एक रास्ता बनेगा हमारा क्विज कंपटीशन। मैं आज यहां से देश के नौजवानों को, मेरे देश के विद्यार्थियों को और हर स्कूल को मैं कहूंगा कि स्कूल का एक कार्यक्रम बने कि ये चंद्रयान से जुड़ी हुई जो क्विज कंपटीशन है उस क्विज कंपटीशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, देश के करोड़ों करोड़ों युवा इसका हिस्सा बने और हम इसको आगे ले जाएं। मैं बताऊं ये बहुत बड़ा परिणाम देगा। आज मेरे सामने आप आए हैं तो और भी एक बात की और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विश्व की भारत के प्रति एक बहुत जिज्ञासा बढ़ी है, आकर्षण बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ मौके होते हैं जब उसे इन चीजों की अनुभूति होनी चाहिए। हम सब के सामने तत्काल एक अवसर आने वाला है और खास करके दिल्ली वासियों के लिए अवसर आने वाला है और वो है G20 समिट, एक प्रकार का विश्व का बहुत बड़ा निर्णायक नेतृत्व ये हमारी दिल्ली की धरती पर होगा, हिंदुस्तान में होगा। पूरा भारत यजमान है लेकिन मेहमान तो दिल्ली आने वाले हैं। उनको जरा मेरी डॉक्टर की टीम जरा पहुंचे, मेरे साथ जो डॉक्टर हैं जरा देख लें इनको। उनको हाथ पकड़ के ले जाइए, बिठा दीजिए कहीं और जूते वगैरह खोल दीजिए। G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है, मेरे दिल्ली के नागरिकों की है और इसलिए देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। अपने घर में भी अगर 5-7 मेहमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पर नहीं बैठते, अगल वाली छोटी सी चेयर पर बैठ जाते हैं क्योंकि मेहमान को जगा देते हैं। हमारे यहां भी अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं और इसलिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वालों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा याचना आज ही कर लेता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं ये मेहमान हम सबके हैं, हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक के सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है और हम तो जानते हैं परिवार में अगर शादी भी होती है ना तो घर के हर लोग कहते हैं अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग अरे भाई संभालो,
घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, तो ये अपना बड़ा अवसर है। एक परिवार के नाते ये सारे मेहमान हमारे हैं, हमें हम सबके प्रयासों से ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग आग से भरा हुआ हो, ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे परिवारजनों, कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। बहन भाई को राखी बांधती है और हम तो कहते आए हैं चांदा मामा, बचपन से ही पढ़ाया जाता है चांदा मामा, हमें बचपन से सिखाया जाता है धरती माँ, धरती माँ है, चांदा मामा है, मतलब कि हमारी धरती माँ चांदा मामा की बहन है। और इस राखी का त्योहार ये धरती माँ ये ल्यूनर को राखी के रूप में भेज करके चंदा मामा के साथ राखी का त्योहार मनाने जा रही है। और इसलिए हम भी ऐसा राखी का शानदार त्योहार मनाएं, ऐसा भाईचारा का, ऐसा बंधुत्व का, ऐसा प्यार का वातावरण बनाएं कि G20 समिट में भी चारों तरफ ये बंधुत्व, ये भाईचारा, ये प्यार, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का दुनिया को परिचय कराएं। मुझे विश्वास है कि आने वाले त्योहार शानदार हैं और सितंबर महीना हमारे लिए अनेक रूप से विश्व में फिर से एक बार, इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की सफलता से जो झंडा गाड़ा है, हम दिल्लीवासी G20 की मेहमान नवाजी अद्भुत करके उस झंडे को नए ताकत दे देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरी आप सबको इस इतनी धूप में यहां आकर के इस हमारे वैज्ञानिकों के महोत्सव को सामूहिक रूप से मनाने के लिए, तिरंगे को लहराने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वैज्ञानिकों की से मिलने की इच्छा थी, इसरो में वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई, पीएम की तरफ से कहा गया चंद्रयान 3 की सफलता पर देश में उत्साह है, हर सपने को साकार करने की प्रेरणा तिरंगा, ये पीएम की तरफ से कहा गया। नई पीढ़ी को विज्ञान ने आकर्षित किया है। पालम एयरपोर्ट पर देखिए बड़ी संख्या में जो हैं वो लोग यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनकी तरफ से अपने भाषण में बड़ी दिक्कत है। इसरो में वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई है, चंद्रयान पर देश को गर्व हो रहा है, हर सपने को साकार करने का समय है, लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति का नाम पीएम की तरफ से दिया गया।